नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक शक्तिशाली हाइपरसोनिक सिस्टम तैयार करने का सोचा है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने का वादा करता है। ये मिसाइल काली जौहर के रूप में जाना जाता है जो भारत की पहचान बदल सकता है। दोस्तों, इस युद्ध प्रणाली को चलाने वाला है भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और इसका लक्ष्य है एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाना जो भारत की सीमा पर आने वाले खतरों को पहले ही रोक दे, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। ये मिसाइल सिस्टम इतना तेज है कि रेडार से भी छुपा रहता है और आवाज से भी ज्यादा तेज गति में वार कर सकता है, विष्णु भगवान की तरह। ये मिसाइल एक निश्चित लक्ष्य को बिना किसी नुकसान के बर्बाद कर सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु की पहली फेज में हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल होंगे जो 2500 किलोमीटर तक कुदरती हदों को पार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने में, और ये मिसाइल सिस्टम सरफेस टू सरफेस ही नहीं बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल भी बनाया जा रहा है जो हवा में 15 से 20 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु एक मिशन है भारत को सबसे तेज और शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम बना देने में। इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के सफर का अंत देखने में अभी वक्त है, लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु ने अपने इरादे को और प्रभावित करने का रास्ता साफ कर दिया है। जब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में एक नया कदम उठा रहा है तो दुनिया भी इस ताकतवर देश की नई ताकतों की प्रतीक्षा कर रही है। इस मिसाइल से भारत के हाथों में वो ताकत आ जाएगी जो आज तक किसी भी सुपर पावर के पास नहीं है। ये मिसाइल चाइना, अमेरिका और रूस के मिसाइल से भी तेज है। प्रोजेक्ट विष्णु की पूरी डेवलपमेंट 2028 तक पूरी होगी और इससे ग्लोबल आर्म्स रेस में भारत की पोजीशन स्ट्रांग होगी। इस प्रोजेक्ट में भारत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक नया दौर शुरू कर रहा है। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट विष्णु हमारे देश को ग्लोबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ऊंचाई तक पहुंचाएगा। देश के लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा। ये था प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। क्या लगता है आपको कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में आगे बढ़ सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।